नहीं तो इसी तरह से हम लोग परेशानियां झेलते थे फस गए, और इसी तरह से जब बारिश होती थी तो बाढ़ का प्रकोप इसी तरह आज से आज के दिन ही बहुत खुशी के दिन है। आज इतना बड़ा काम हो जाते ना ये आप लोग सोच नहीं सकते। तो स्वागत है आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल सही थे। आज के वीडियो शुरू की थे इनके अलावा है बैग और यही आज जाते स्कूल यानी घर के काम से इन्हें हो गया है फुर्सत। जोन दिन भर बैठ के मोबाइल चलावत रही खाली डाउनलोड कर रहा गेम पूरे मोबाइल में खाली गेम नजर आवत रहा और कौन चीज नहीं। हम रोज रिमूव करते रहे इंस्टॉल करते रहे रोज डाउनलोड करता पूरा एमबी वहीं चला जाता है। तो आज सबसे खुशी की बात यह है कि आज इनको हम लेकर जा रहे हैं स्कूल छोड़ने। अब ये आज से जाएगा स्कूल और पढ़ेगा। चलो आओ जल्दी जल्दी आओ आओ चलो 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 जल्दी चलो जल्दी चलो 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 हाँ चलो। तो आज क्या पढ़बो तू आए आदिब क्या पढ़बो अलिब्बे आए ऊपरा ताको ऊपरा और बैगवा के लावा है आओ आओ बे आओ आओ। आज से तू स्कूल जाबो और रोज पढ़बो स्कूल में ठीक है। हाँ आओ भागियो जल्दी जल्दी आओ। ए भैंसिया उसे पकड़ ले बगलिया ले चल 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 तो मार देता। हाँ लौंडा गहरा भैंस चलावे हमारे। हाँ पढ़ाई जाता है आज। हाँ भैंस नहीं चलाई अरे बाबू आई जा वादे वाले लड़के कुल गए वाह तुहार बेगवा गढ़ू तो नहीं है ये घसीम ना जाओ। हाँ आओ चलो चलो जल्दी जल्दी चलो जल्दी जल्दी हाँ चलो 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 चलो। हाँ ये मस्त मस्त लड़का आज पढ़ने जाता है। अरे तो भैया मोटू पतलू छपा है कि बैग में पैसा हो खूब बढ़िया बैग लाई सी करम माँ जी बाबू चलो। कबूतर ये देखो हमारा पहुंच गया मदरसे पर ये देखिए चलो अंदर चलो ऐसी ऐसी किताब निकाल दो पढ़ो। हाँ पढ़ो कई किताब लाया हो मारे किताब ले आया बाबू है देखो बदमाशी ना क्यों तो बहुत मरी है। करीब मैं 1.5 घंटे से मदरसे में बैठा था लेकिन मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता हूँ कि पहला ही दिन जाएगा और इतनी अच्छे से मतलब वहाँ पर बैठकर और वो पढ़ेगा बच्चों के बीच में काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और हम चाहते हैं आप लोग भी दुआ करिए कि बच्चा हमारा जैसे पहला दिन गया है वैसे हमेशा ही स्कूल जाया करे और बढ़िया से पढ़े। सारे बच्चे हमारे पढ़ लिख कर मतलब कुछ कामयाब बने भाई आप लोग दुआ करिए। तो चलते हैं घर और नहाते हैं धुलते हैं उसके बाद में फिर निकलते हैं सिसवा के लिए देखते हैं उधर क्या करना है। आज भी बहुत सारा काम है हमारे जिम्मे सुर करके आएंगे उसके बाद में फिर जाएंगे एक जगह और बालापुर साइड। तो पूरे दिन का वाकया हम दिखाते हैं वीडियो में चलिए। कल वाली जो वीडियो हमारी थी नेपाल का अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जाइए और देख लीजिए बहुत अच्छा वीडियो है। और जा रहे थे इमरान के गांव पर तो उनके गांव में जाने वाला रास्ता जो है मेन वाला वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है देखो कब होता है। एक आगे से रास्ता था तो भैया इतना कीचड़ था कि हिम्मत नहीं हुई हमारी कि हम अपनी बाइक को उसमें कुदा दें। फिर उसके बाद में आज हमने नया रास्ता लिया है ज़िंदगी में अब लाइफ में पहली बार इस रास्ते से जा रहे हैं हम। अभी तक मैं इस रास्ते को यूज नहीं किया था लेकिन आज ही इस रास्ते से चल रहा हूँ और उनके घर उसके बाद में फिर वहाँ से जाएंगे सिसवा हम। ये है नहर वाला रास्ता भैया जिस रास्ते से जा रहे हैं उनके घर पर हैं और फोन भी बज रहा है हमारा जैसे हम वीडियो शूट कर लेते हैं तैसे फ़ोन आ जाता है फिर
ये देखे कितना खराब है, कहीं गिरना पड़े यार मुझे चक्कर। वाकई में मोबाइल के चक्कर में, फ़ोन उठाने के चक्कर में ही ताला फ़ोन भी गिर गया हमारा कीचड़ में, और उसके बाद में फ़ोन भी नहीं रिसीव कर पाए हम। तो देखते हैं किसका फ़ोन है भाई साहब, 900 यानी 9000। ये सारा कौन कौन सा फ़ोन आता है यार, छोड़ो कंपनी का फ़ोन है जो मुझे ज़रूरत नहीं उठाने की, और मोबाइल मेरा पूरा एकदम से कचड़े से लथपथ हो गया। अब देखिए इसमें से कैसे जाएंगे हम, या तो वीडियो शूट करेंगे या तो फिर कबले स्टेयरिंग पकड़ेंगे। तो रास्ता ऐसा है तो हम मोबाइल को रखते हैं जेब में और उसके बाद में चलते हैं, पहुंचते हैं वीरपुर इमरान के गांव। और इधर सब देखिए धान की रुपाई हो रही है, सब लोग खेतों में जुटे हैं भैया, और ये सारा खेत तो एकदम से भैया रुपाई हो चुका है, बाकी इधर का तो एकदम ऐसे भी पड़ा है, पता नहीं इसमें बोते हैं कि नहीं बोते हैं, लगाते हैं धान की नहीं लगाते हैं, लेकिन इधर तो पूरा एकदम से पूरा खेत भरा हुआ है लोगों से। बहुत गलत फैसला ले लिया यार भाई, बहुत गलत फैसला। देख सकते हैं किस तरह से हम जाएंगे, क्या बताएं यार। और गांव बगल में है ना, तो इधर से जा सकते हैं ना इधर से जा सकते हैं। अब देखते हैं किसी तरह से निकालते हैं, या तो फिर हम पीछे वापस जाएं। ये देखिए तो काफ़ी दूर निकल आने के बाद में वापस नहीं जाएंगे, जाएंगे तो इसी रास्ते से जाएंगे, जो भी होगा देखा जाएगा, चाहे गिर पड़ेंगे या कुछ भी हो। चलो फिर बड़ा मुश्किल से तो निकले हैं भाई, बहुत मुश्किल से, कसम से बाइक की जो पहिया है इतनी ज़बरदस्त स्किड कर रही थी कि अगर हम जा रहे हैं उत्तर दक्षिण तो हो जाता था पूर्व पश्चिम पहिया इसका। किसी तरह से तो निकाल रहे हैं, लेकिन अब नहीं आएंगे हम, जब तक वो वाला पुल नहीं बन जाएगा तब तक इसके गाँव में नहीं आने मुझे। अगर आएंगे तो इधर से आएंगे फिर उधर ही चले जाएंगे हम। और पहुंच गए हैं भैया इमरान के गांव, देख सकते हो ये गांव है इमरान का। घर से सोच कर आए थे कि वीडियो शूट करेंगे, और वीडियो शूट करने के बाद में फिर हम सीधे निकल जाएंगे, एक जगह मेहमानदारी में जाना था, लेकिन यहां पहुंचने के बाद में भाई वीडियो शूट नहीं हो पाया। मुहर्रम का बहार चल रहा है, कुछ भाई लोग ढोल ताशे के चक्कर में पड़े हुए हैं, और वो चीज़ मैं नहीं करता हूँ। तो हमने कहा चलो ठीक है भाई, तो वहाँ से इमरान भाई ने कहा कि भाई तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो, तो हमने कहा ठीक है भैया। तो वहाँ से भाई निकल लिए हैं और चल रहे हैं अपने काम पर, तो चलते हैं और दिखाते हैं आज के वीडियो में क्या होने वाला है और क्या क्या चीज़ आपको देखने को मिलेगा। और कर वाली वीडियो अगर नहीं देखी भाई तो ज़रूर देखिएगा यार, ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी ब्लॉग है, समझ लीजिए कि बहुत मेहनत से बनाया है, बहुत अच्छी अच्छी जगह को विजिट किया मैंने, बस देखिएगा ज़रूर एक बार और पूरा विजिट करिएगा। बाकी मौसम तो बढ़िया है, एकदम से ठीक ठाक है, और देख सकते हैं वो वाला पुल जहां पर हम लोग पिछले साल गाड़ी निकाल रहे थे, 50 रुपया गाड़ी 50 रुपया आदमी, वही पुल है। तो इस साल ये बन गया है लेकिन अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है ये भी, बस ये है कि आज जा सकते हैं आदमी। और मैं पिछले साल का भी वीडियो रखा हूँ, क्योंकि जब बारिश होती थी भाई तो बहुत तेज़ बहाव होता था और फिर गाड़ी वाड़ी निकालने में बड़ी दिक्कत होती थी, तो वो वीडियो मैं ज़रूर इस वीडियो में ऐड करूँगा, अगर हमारे पास होगा कहीं पर हम ढूँढेंगे तो ज़रूर उसको हम ऐड करके दिखाएँगे और ये पुल दिखाएँगे हम। तो चलते हैं फटाफट, 4:30 बज चुके हैं और काफ़ी टाइम भी लगेगा जाने में, वापस भी आना है मुझे। ये देखिए कब है, बताओ बताओ बताओ। अच्छा चलो ठीक है, बढ़िया है, लाइक करा करो, लाइक शेयर करा करो। हाँ मैं तो गिरे रहे यार, सब्बू दादा के पार्टनर लड़के बड़ा खुश मिजाज होते हैं। ये गलत बोलता है, इधर ये लोगर पानी में डूब कमर जाना चाहिए। हाँ सही कहो सही कहो सही कहो। तो यार भाई यहाँ से निकलते हैं क्योंकि ये बच्चे हैं, बच्चे बड़े शरारती भी होते हैं, उनके चक्कर में अगर हम रुकेंगे तो रुके ही रहेंगे, तो हमको निकलना है। मौसम भी खराब है, बारिश भी आ सकती है, तो कहीं बरसने लगेगा तो बच जाएंगे हम। चलिए सर लड़के, चलो बाय 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 बाय। हाँ
जिस तरह से ये पानी बह रहा है उसी तरह से पहले भी बहता था, लेकिन इस बार समझ लीजिए कि ये ब्रिज बन गया है छोटा सा आने जाने के लिए। जो दिक्कतें थी वो दिक्कतें अब दूर होगी, नहीं तो इसी में से हम लोग बाइक लेकर जाते थे और बाइक लेकर आते थे। तो देख सकते हैं कि इस तरह से हम लोग पहले आते थे और जाते थे, निकलते थे और किस तरह से अपनी बाइकें निकालते थे। बीच में जहाँ पर पीछे वाला आदमी पकड़े हैं वहाँ पर इतना ज़बरदस्त गड्ढा है, इतने बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं कि भाई समझ लीजिए बिना दो आदमी के लगे नहीं निकलती थी बाइक। लेकिन बहुत कोशिशों के बाद में अब जाकर ये हुआ है कि मतलब इसका ब्रिज बना है, नहीं तो वही हाल इस साल भी होता। करीब 5-6 महीने से काम इस पर लगा हुआ था, अब जाकर कंप्लीट हुआ, आप लोगों ने देखा वीडियो में, नहीं तो इसी तरह से हम लोग परेशानियां झेलते थे और इसी तरह से जब बारिश होती थी तो बाढ़ का प्रकोप इसी तरह से रहता था। पैदल निकलने में काफ़ी मुश्किल होती थी, बाइक तो बहुत दूर की बात है। अब देखिए बंदा किस तरह से निकाल रहा, उसी में फंसा हुआ है और उसमें अगर पानी चला जाएगा तो फिर समझ लीजिए कि इसको डॉक्टर के पास ले जाना, इंजीनियर के पास लेकर जाना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे सब लोग निकलते हैं भाई, आप देख सकते हैं। और बाकी इधर बहुत गड्ढे थे, बाइक पूरी एकदम से डूब जाती थी उसी में, पहले कैसे था अब कैसे है। तो चलो फिर निकलते हैं यहाँ से भाई। तो मेरे भाई हम गए थे बालापुर और कसम से बताए नहीं, हमें इतना खराब रास्ता रहा, इतना खराब रास्ता रहा बरसात के वजह से ही कि अगर जान लो कि हमारी हिम्मत एकदम से पस्त हो गई हमारी गाड़ी चलावत है। और वहाँ से वापस आवत आवत शाम हो गए, बहुत ज़्यादा परेशानी। अभी ये घरे पहुँचे हम। आज की वीडियो में जो भी देखो भाई कैसा लगा, अच्छा लगा तो भैया लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर यहाँ पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, आगे बढ़ाओ। और कल वाले वीडियो में यहाँ हम एक बात आप लोगों का नया बता पाए भाई, देखो अगर नेपाल कोई जावा चाहत है तो कृष्णनगर अगर बॉर्डर से गवा है ही, तो फिर कृष्णनगर बॉर्डर से वापस आ रहे हैं। पहला बस वाला जो बॉर्डर है ही इधर के एसएसबी वाले जो हैं वो मतलब सीधे कहते हैं कि जिस बॉर्डर से जाए उस बॉर्डर से आए। तो हम लोग कृष्णनगर से गए थे वापस कैलाबास से होकर आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हम कृष्णनगर से गए हैं, कोयलाबास बॉर्डर से गए हैं, नेपालगंज बॉर्डर से आए हैं, नौतनवा बॉर्डर से आए हैं, खुनवा बॉर्डर से आए हैं, सुनौली बॉर्डर से वापस आए हैं, कृष्णनगर से गए हैं। मतलब यहाँ पर कोई ऐसा रूल नहीं है, लेकिन भाई कहते हैं तो मानना पड़ेगा। तो हम तो भैया याद कर लिए हैं कि अब अगर हम कृष्णनगर से जाएंगे तो कृष्णनगर ही बॉर्डर से आएंगे, या अगर इससे जाते हैं तो इससे तो कोई फिर दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए बस आज की वीडियो इतनी ही, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लेकिन ध्यान रखिए कि जिस बॉर्डर से जाएं उस बॉर्डर से वापस आएँ, खासकर कोयलाबास वाला। अगर कोयलाबास से गया है तो कोयलाबास से वापस आ सकते हैं, अदर बॉर्डर से गया है तो भाई कोयलाबास से ना आएँ। चलो फिर मिलते हैं, ओके बाय।